तो गाइस खाने के बाद थोड़ा सा सो गए थे, आराम कर रहे थे। अभी जस्ट सो के उठा और देख रहे हैं आंखें डार्क सर्कल हो गया है। अभी फिर हम लोग चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं आप? यार कहाँ चल रहे हैं? आफिया की बड़ी फूफी है, आफिया के फूफी घर जा रही है, यही थर्मल में ही रहती हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे है, बाइक कार जाएंगे हम सब कोई। फिलहाल तो सब कोई रेडी हो रहा है। भांजा मेरा, दोनों भांजा सोया हुआ है, अरिजर उज़ैन। और फिलहाल अभी फिर हम लोग चलेंगे वहाँ पे, अभी तक सोया है। तब रेडी हुई है, चलना है कि नहीं? काफ़ी लेट कर दिया क्या बाबू? चलना है ना, घूमने नहीं चलना है? इन लोग लेट कर रहा है, चलना है ना घूमने? काफ़ी लेट कर रहे हो, चलो जल्दी, चलो चला जाए। चलिए गाइस चलते हैं। और एक बहन है मेरे भाजी की पोपी घर, वहीं चल रहे हम लोग सब कोई। चलिए गाइस, अभी तो सब 6 बज रही है, मैं तो रूम में था, पता नहीं चला था, हम सोचे रात हो चुकी है, लेकिन नहीं हुआ है, अभी भी दिन है, चल रहा है। वी आर रेडी सब, चलो चला जाए। तो गाइस मैं आ गया हूँ कार में, और कार को घुमाते हैं, फिर आगे बैठेगी बहन लोग, फिर चलेंगे हम सब कोई अपने बहन के ननद घर, वहाँ दिखाएंगे आप लोग को वीडियो। चलिए चलते हैं फिर। देखिए गाइस, अरिज बाबू भी बैठ चुका है। ओहो, बीच में ये ताबीज़ वगैरह आ जा रही है, रोटी तो छुबे, ओ छूना है इसको, पकड़ेगा ये। बाबू इन लोग भी आ चुके हैं, उड़ गया बाबू, उड़ गया। चलो चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, थोड़ा सा अंदर में है, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। और मेरी बहन की जो ननद है, काफ़ी हम लोग को मानती है, जब भी आते हैं हम लोग बोलते आइए इधर। और हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं और जा रहे हैं अंदर की ओर, हम लोग अब बैठेंगे। तो गाइस हम लोग आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मेरी बहन के ननंद घर है यहाँ, बड़ी ननंद घर, हम लोग बहुत मानती है। जब भी हम लोग आते हैं बोकारो थर्मल, तो इनवाइट करके बुलाती, हम लोग नहीं आते तो नाराज़ हो जाती कि आप लोग आते नहीं हैं, इसलिए हम लोग आज पहुँच गए हैं। और गाइस हम लोग एक ही रूम में बैठे हैं सब कोई, और नाश्ता आ गया है, और हम लोग कर रहे हैं अब नाश्ता। तो गाइस हम लोग आ गए हैं फुटबॉल ग्राउंड, और यहाँ फुटबॉल क्रिकेट होती है। तो हसी भाई बोले कि चलिए थोड़ा सा बैठते हैं, रात के भी 8 बज रही है, तो सोचे चलिए थोड़ा सा घूम लेते हैं। और बाजी घर घूमने के बाद हम लोग आए ग्राउंड, थोड़ा सा बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे घर की ओर फिर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, हसीब भाई बोले चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बैठा जाए, इसलिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। एक्चुअली वहाँ बाजी घर से नाश्ता करके हम लोग डायरेक्ट आ गए फुटबॉल ग्राउंड। ऐसे तो बाजी बोल रही थी कि चलिए आप लोग के लिए खाना बना देंगे, काफ़ी ज़िद की,
लेकिन हम लोग बोले नहीं, और एक जगह टाइम रिश्ते में मामा लगते हैं, वो हम लोग को बुलाए हैं। तो सोचे चलिए थोड़ा सा आधा घंटा यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मामा के यहाँ जाना है, इसीलिए हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं। और फुटबॉल ग्राउंड में हमारे फैमिली की तरह और भी फैमिली यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहा है, कोई इवनिंग वॉक कर रहा है, कोई टहल रहा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर। जैसे कि देख सकते हैं माँ बेटा मस्त एकदम फुटबॉल खेल रहा है, और मेरे भांजा हरीश को भी देख सकते हैं पूरा एकदम वॉक कर रहा है। और यहाँ से खूबसूरत सा नज़ारा BTPS का पावर प्लांट दिखाई दे रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और ये ग्राउंड एकदम मेन रोड में ही है, पावर प्लांट के जस्ट गेट के सामने ही है ये फुटबॉल ग्राउंड, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और टाइम हो चुका है गाइस, आप निकलेंगे थोड़ी देर में। अब तो गाइस काफ़ी घूमे मस्ती किए, रील्स बनाए, काफ़ी इंजॉय किए यहाँ पे, और फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं घर की ओर। क्या तो हम लोग घर की ओर जा रहे हैं, सब कहीं उठ चुके हैं, रात के 9 बज चुकी है, काफ़ी टाइम मज़ा आया मस्ती किए यहाँ पे। चलिए फिर यहाँ से अब निकलते हैं घर की ओर। जैसा कि गाइस आप लोग को बताया था कि फुटबॉल ग्राउंड से आने के बाद डायरेक्ट मैं रिश्ते में मामा लगते हैं, अपने मामा के घर मैं बैठा हूँ। हम सब कोई मामा बुलाए थे हम सभी को, तो अभी बैठा हूँ अपने मामा के यहाँ। रात के 9:30 बज रही है और नाश्ता करके यहाँ से भी निकल जाना। मामा भी बोले, मामी भी जिद कर रहे थे कि आप लोग के लिए खाना बना देंगे, बोले कि खाना नहीं खाना है, बस नाश्ता चाय पियेंगे और यहाँ से फिर निकल जाना है अपने बहन के यहाँ। रात का खाना अपने बहन के यहीं खाना खाएंगे। हाँ 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 हाँ, खेल रहे हो, नजर नहीं आ रहे तुम लोग, फेस दिखा, फेस फेस मुझे बहुत है। अरे हम नहीं जा पाएंगे। अरे बाबू अपना चल जाओ। ठीक है मॉम, हम चल जाएंगे, हम लोगों को लेके आ जाएंगे। अरे रात होने लगा है, नानू कहाँ है, कि मामा का गाड़ी कहाँ है, कुछ वहाँ पर। तो गाइस खाना आ चुकी है, बिरयानी है, चावल दाल है, अभी रोटी पूड़ी आएगा, जिसको जो मर्जी है वो खाना खाएंगे। और फिलहाल हम लोग सब कोई बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के लिए। और उज्जैन अपने नानू से वीडियो कॉलिंग करते हुए, क्योंकि उज्जैन अपने नानू को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मेरी बहन नानू को फ़ोन लगा दी है, वो वीडियो कॉलिंग कर रहा है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना खा के अभी जस्ट बैठा हूँ, रात के अभी 11 बज चुकी है। थोड़ा सा जो मार्केट गए थे, बाजी के यहाँ गए थे, तो अभी आके खाना वाना खा के बैठे हैं। इधर अली भी बैठा हुआ है। और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।